हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लखनऊ दिनांक 21 अगस्त 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। तो आखिर आपका फॉर्म फिलअप होना, यानी कि आपका फॉर्म ऑनलाइन होना कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पूर्व यानी पहले बताया गया था कि 10 अगस्त 2023 से 9-10 के बच्चों का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझेंगे। केवल हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया 15 सितंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक। यानी कि अब जो डेट है आपकी क्या कर दी गई है, 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर 2023 से लेकर के और 10 नवंबर 2023 तक आपकी डेट कर दी गई है। और पहले क्या था, 10 अगस्त 2023 था, तो ये डेट आपकी फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। अब इनका करेक्शन कब होगा, तो करेक्शन के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको 10वां पॉइंट दिख रहा होगा। 10वें पॉइंट में देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी कि आपके लॉगिन पर दे दिया जाता है, आपको सुधार करना होता है। तो 15 दिसंबर 2023 से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक अब आपके करेक्शन के कार्य चलेंगे। जैसा कि पिछले नोटिस में अगर आपने देखा होगा, जो 10 अगस्त से अगर ऑनलाइन हुआ होता तो दिसंबर जनवरी तक आपका पैसा भी आ जाता 9-10 के बच्चों का, लेकिन अब ये सारी चीज़ें कह लीजिए कि आगे बढ़ा दी गई हैं। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, और आपके लायक यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपका पैसा कब आएगा। देखिए, पैसा यहाँ पर धनराशि का अंतरण आपको दिख रहा होगा 16वें पॉइंट में, धनराशि का अंतरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना 19 फरवरी 2024 तक। यानी कि अब जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी 19 फरवरी 2024 तक आएगी 9-10 के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर 11-12 के बच्चों के लिए तो वही लगभग समान डेट रहेगी, पैसा आने का जो डेट रहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहिए कि 15 दिन आगे रहेगा, और उनका जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है वो लगभग कहिए कि जो 10 के बच्चों का जिस दिन से अप्लाई होना स्टार्ट होगा उसके 15 दिन बाद उनका भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के आसपास से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 12th के बाद कहिए कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, या फिर ITI डिप्लोमा BA BTEC यानी ग्रेजुएशन लेवल, या फिर UG PG अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, चूंकि अभी आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हो गए होंगे तो उनको बनवा लेंगे, और एडमिशन वगैरह अगर आपका हो रहा होगा तो एडमिशन वगैरह करा लेंगे, सारी चीज़ों को कंप्लीट किए रहेंगे। जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको बता भी दूंगा कि आपको गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से पिछली बार बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।